listening. मॉर्निंग व्यू कुछ इस तरह से, यहाँ का लोग उठ के ब्रश व्रश थोड़ा सा फ्रेश अप होके नाश्ता करने के लिए आ गए हैं। नींद तो पूरी नहीं हुई लेकिन पेट पूजा पूरी करेंगे। एक कप हो गया, दूसरा चाय तो पकाई थी, मुझे सुबह से चाहिए पड़ती है बिल्कुल। एक रील देख रखी है मैंने, इधर कौन है जिसे चाय ना मिले तो उसका सर दुखने लग जाता है। मैडम आपके आजकल से कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, सिर्फ पागल बंदी देने लगी। वेलकम तो अगेन, हम दोबारा रेडी हो गए हैं, पीले पीले हो गए हम सब। अब होगी हल्दी। गाइस अभी हल्दी सेरेमनी हो रही है, हो रहा है भैया, अभी अपने पास से दिखाती हूँ। ये हमारा हल्दी का डेकोर लाइटली। माय गॉड क्या हालत हो गई गाइस, हल्दी तो हो गई सेलिब्रेट, अब मेहंदी का शूट हो रहा है। क्या मेहंदी तो पहले हो चुकी थी लेकिन शूट नहीं हुआ था, बट मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं आपको मेहंदी का शूट दिखाती हूँ। ये भैया भाभी की शूटिंग चल रही है। तो अब मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ चीकट और खाना वाले फंक्शन के लिए। सो देखते हैं आज बेबू ने मुझे क्या बनाया। रेड सॉस विथ वाइट पास्ता। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों महिलाओं को इनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इनकी बड़ी वाली नंदन ने इनको भारी सा लहंगा पहना दिया है गर्मी में, और यहाँ से वहाँ घुमा रही हैं जबकि फंक्शन 2-3 घंटे बाद होना था। तो अब इनका दिमाग चल चुका है गर्मी से, आप देख सकते हैं। हम और भाभी उसे चाची हैं। हाँ, और जी आपके बच्चे नाक मार के जी बनाए थे, घूम रहे हैं, रोते गाते। जी पास में कौन है? दीक्षा। दीक्षा जी, दीपक चाचा है। नहर का पानी भरने वाली, इसके लिए हमारी भाभी लोग 3-4 घंटे से रेडी बैठी थी। आपका रंग जी पहुंच जाओगी वहां तक। पटकी में है पानी, पटकी है बहुत हैवी, और ये लोग भी हैं बहुत हैवी रेडी। मजा आएगा, एक राउंड है जैसे ऐसे ऐसे। देखो इनका शूट हो रहा है ब्राइड जैसा, क्या टाइम पास हो रहा है। आटेंगे एक के बाद एक। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक।
आवर लेटर। ये गाइस चिकट के बाद होने लगा शेजू का पच, जो कि उसके मामा उसको चढ़ा रहे हैं। यप गाइस, तो अभी हम लोग रेडी हुए थे चिकट और मुंह मेहर का पानी रहता है उसके लिए, मैंने बना था ये बैग। तो अभी हम लोग ओरछा में शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब शादी हो रही है ओरछा में। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि पहले मंदिर में वरमाला होती है, फिर यहाँ स्टेज पे होगी बारात वरात लग के। तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं वरमाला के लिए, वहाँ पे तो पता नहीं शूट हो पाएगा यानी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोगों की एंट्री है और टाइम से पहुँचना है। तो अभी ज़्यादा रेडी नहीं हुए, अभी नॉर्मल रेडी हुए, तो फाइनल के लिए रेडी हम अभी थोड़ी देर से होंगे। तो चलो अभी मंदिर चलते हैं। अभी पहले होती थी लेकिन निकास सीट वो हो रही है कुछ इस तरह से, बनाई चटनी पूरी। ये पैदल यात्रा चल रही है आधे से ज़्यादा लोगों की। ये हमारे आगे दूल्हे राजा जा रहे हैं और हम उनके पीछे जा रहे हैं। राम राजा सरकार की जय। मंदिर का व्यू सामने से दर्शन। गाइस तो हमारे मंदिर में दर्शन हो चुके हैं, वरमाला नहीं हुई है अभी। क्या वरमाला, क्या वरमाला में भी टाइम है क्योंकि भाभी नहीं आई है रेडी होके, और अंदर इतने लोग की एंट्री भी नहीं है, कुछ पांच या छह लोग जा सकते। तो हम लोगों को तो वरमाला वैसे ही देखने नहीं मिलती, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं। तो गाइस ये वरमाला और बारात हम नहीं देख पाए बिकॉज हम आके रेडी होने लग गए थे। चलो वरमाला तो हो गई, इसमें मजा भी आया, अब हम चलते हैं फोटो शूट कराने स्टेज पर।
A few moments later. बहुत मटक लिया लहंगा पहन के यहाँ से, आप चलो खाना खा लेते हैं। क्या दौड़ रहे हो मामा जी? यहाँ हमारी छोटी सी गैंग बन गई थी और हमने बहुत सारी मस्ती की, लेकिन वो कैमरे पे नहीं डाल सकते हैं। आफ्टर मस्ती गाइज, मैं कब आकिस हो गई मुझे पता ही नहीं चला, ये तो वैश्वी ने वीडियो शूट कर लिया, फिर मैं चेंज करके सोई। The next day. Hey everyone, good morning. रात में हम लोग काफी थक गए थे तो डायरेक्ट सो ही गए जल्दी से चेंज करके, पता नहीं व्लॉग व्लॉग शूट ही नहीं हुआ। एंड अभी सुबह हो गई है, रात में क्या हुआ वो तो मैं आपको दिखाई नहीं पाई, लेकिन अभी फेरे होने वाले थे उसका थोड़ा सा लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। और हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि पिताई में भी बहुत टाइम। मंडप यहाँ हो रहा है गठबंधन, ये ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। यप गाइस, तो मंदिर वाली वरमाला, बारात और विदाई में ये तीन चीज़ों में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहीं से वीडियो क्लिप एडिट करके आपको दिखाई दिया है। सो ये था भाई की शादी का थर्ड पार्ट, बट ये लास्ट पार्ट नहीं है, इसका एक और पार्ट है जिसमें मैं आपको भाभी का वेलकम और रस्में दिखाऊंगी। तो ये थर्ड वाला पार्ट था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलती हूँ जल्दी आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज़।